संविधान की स्थापना के 70 साल पूरे होने पर संविधान दिवस पर चर्चा करने के लिए राजस्थान विधानसभा में चर्चा के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन सदस्य सदन में संविधान पर बात करते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं चूके। सदन में महाराष्ट्र के सियासत में हुई उठापटक से लेकर कई विषयों पर जिक्र किया गया, जहां आमेर से विधायक सतीश पूनिया ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के मंत्रियों ने संविधान की चर्चा की पहल पर पानी फेर दिया है। सरकार ने सदन में आरएसएस और प्रधानमंत्री और राज्यपालों की भूमिका पर भी चर्चा करके इस पूरी बात को पटरी से उतार दिया। जो संविधान दिवस इसकी पहल करी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, खास तौर पर 2015 में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जन्म जयंती पर उनके सम्मान के लिए और संविधान के सम्मान के लिए 26 नवंबर को ऐतिहासिक कार्यक्रम, जिसको पूरे देश और दुनिया में लोगों ने देखा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के बड़े सारगर्भित भाषण हुए और भारत के लोकतंत्र की अक्षुण्णता, लोकतंत्र की ताकत, इन सब पर चर्चा हुई। ये न तो बहस का विषय था और न किसी तरीके के वाद विवाद की इसमें आवश्यकता और गुंजाइश थी।